हेलो एवरीवन वन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं वो निशान शर्मा वैसे बोलने को तो रेलवे की तरफ से हमको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं अगर हम बीमार होते हैं तो हमको हमारे लिए रेलवे हॉस्पिटल्स भी हैं बट हमने देखा है कि कई बार कुछ जगहों पे जो फैसिलिटीज़ रहती है मेडिकल फैसिलिटीज़ वो उतनी अच्छी नहीं रहती तो उस चीज़ को दूर करने के लिए वो आपको रेफर करते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बट अगर आप आपके किसी बड़ी सिटी के अंदर हो या मान लो आप किसी नई जगह पे ट्रांसफर लेके गए हो या आप किसी ऐसी जगह पे हो अपने होम टाउन में जहाँ आपको नहीं पता कि प्राइवेट हॉस्पिटल कौन कौन से हैं जिनसे जो रेलवे हॉस्पिटल है वो इम्पेनल्ड है तो ये बहुत एक अच्छी वेबसाइट मिली है इस वेबसाइट को मैं कलिंग में यूट्यूब के इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे हम इसको इसके अंदर आपको क्या करना है वो कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ अपना जोन सेलेक्ट करना है अब मान लो आपने जोन सेलेक्ट किया आपका ये आप अब कुछ भी चूज करते हैं अपन मान लो आपने लिया सेंट्रल रेलवे ठीक है सेंट्रल रेलवे के बाद आपने क्या लिया आपने डिवीजन चूज किया आपने चूज किया सोलापुर देन सोलापुर में आपने स्टेट तो महाराष्ट्र ही रहेगा बिकॉज सिर्फ महाराष्ट्र में ही है वो सर्च करोगे तो देखो तो 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 ये आपको लिस्ट मिल जाएगी सभी हॉस्पिटल्स की जो रेलवे से इम्पेनल्ड है याद रखना जो पहला पहला हॉस्पिटल दिख रहा है ना ये डॉक्टर कॉटनिस मेमोरियल रेलवे हॉस्पिटल ये रेलवे हॉस्पिटल है और यहाँ पर देखो ये जो लास्ट में नंबर दिया हुआ है वैसे सेवन टू वन नाइन सिक्स वन फोर फाइव डबल जीरो ये वहाँ के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मतलब सी एम एस का नंबर रहता है तो जो मतलब हॉस्पिटल के होल्सोल इंचार्ज रहते हैं अगर वैसे तो रेफर करने के लिए आपके जो कंसर्न डॉक्टर होते हैं वही बस होते हैं लेकिन अगर आप सी एम एस के थ्रू जाते हो सी एम एस अगर आपको रेफर कर देते हैं तो भी आप किसी भी हॉस्पिटल में जो भी बोलेंगे उस हॉस्पिटल में आप रेफ़र हो जाते हो तो ये सभी हॉस्पिटल की लिस्ट है वैसे अगर हम हाँ और इसमें एक, एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है आप स्पेशलिटी भी दी हुई है अगर आप सिलेक्ट ऑल करोगे और यहाँ पर भी हम सिलेक्ट करते हैं अब देखो यहाँ पर सारे वो मेडिकल फैसिलिटीज जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी लेकिन हाँ इसमें एक बात है अगर आपने मान लो जैसे अपन ने एन चूज़ कर लिया एन में अपन ने एल कर लिया और आसाम चूज़ कर लिया तो यहाँ पर क्या है लिमिटेड हो जाता है बिकॉज़ एल एम आसाम के अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल इन पैनल्ड हैं तो वो स्पेशलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है बट फिर भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं तो आपको दिख जाएंगे कि एक तो रेलवे हॉस्पिटल है और एक ये जो है एच ए एम एम हॉस्पिटल ये रेलवे से इम्पेनल्ड है तो वैसे ही अगर आपको कहीं भी आपको जरूरत हो तो बस आप सर्च मार के इसके अंदर आप देख सकते हो और साथ में आपको कंसर्न मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा और सी एम एस का नंबर भी आपको मिल जाएगा तो और कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम आपको हमारे चैनल पर दिखाएंगे टिल देन जुड़े हैं स्टडी किड़ा से धन्यवाद